नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई लोबेलिया इन्फ्लेटा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई हम किन रोगों और किन लक्षणों में पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवाई की सही डोज क्या होती है, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बात करें तो ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन इसे खास तौर पर फेफड़ों से संबंधित रोगों में दिया जाता है, यानी लंग्स अफेक्शन में दिया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में, कफ में या अस्थमा में इसे हम देते हैं। जिन पेशेंट में सांस से संबंधित रोग होते हैं उनमें ये दवाई दी जाती है। अब इसके लक्षणों की बात करें दोस्तों, ऐसे पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर पेशेंट को सांस से संबंधित कोई भी रोग है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है या अस्थमा है, तो ऐसे में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी। पेशेंट के छाती पर भारीपन महसूस होगा। इसके अलावा छाती में जकड़न भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ भारी सामान भी रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। ऐसी फीलिंग्स में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, खासतौर पर जब पेशेंट हल्की फुल्की हलचल करता है, शरीर में हलचल करता है, तो पेशेंट को ये तकलीफ़ बढ़ती है। पेशेंट जब तेज़ी से चलने लगता है तो इस तकलीफ में पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब पेशेंट को स्टमेटिक अटैक पड़ता है तो शरीर में वीकनेस भी देखने को मिलती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और स्टमेटिक अटैक बार बार आता रहता है। इसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी पेशेंट की सांस लेने में तकलीफ होती है, छोटी सांसें आती हैं, सांस खिंच खिंच कर आती हैं, छाती में भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि छाती पर कोई भारी वजन रखा हुआ है, और पूरे शरीर में दर्द भी कई बार पेशेंट को महसूस होता है। दोस्तों, पेशेंट के अगर खांसी के सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वूफिंग कफ यानी काली खांसी आती है पेशेंट को। ऐसे में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ बार बार होती है। इसके अलावा पेशेंट का डाइजेशन भी ख़राब रहता है, और उसमें नोजिएटिक फील पेशेंट करता है, यानी बार बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट को उल्टी आएगी, जब भी कुछ खाता है तो उल्टी लगने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी में कई बार वोमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिले तो उसमें भी ये दवाई राहत करती है, या फिर कोई पुरानी बीमारी हो जिसमें पेशेंट को नोजियाटिक फील होता हो या वोमिटिंग आती हो, तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अचानक ही पसीना आना शुरू हो जाता है, खासतौर पर माथे पर, और पेशेंट को सिर दर्द भी अचानक ही होता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। तो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिले, एसिडिटी उन पेशेंट में बनती हो, और सांस से संबंधित रोग हों, यानी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आते हों, तो ऐसे में ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकती है, जिन लोगों में शराब का सेवन ज़्यादा हो या स्मोकिंग ज़्यादा करते हों। तो ये दवाई तम्बाकू के साइड इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल करती है। ये दवाई का जो मदर टिंचर होता है वो तम्बाकू के पौधे से ही बनता है। ये एलोपैथी में भी यूज़ की जाती है, यानी अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पेट के और सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई एसिडिटी को कंट्रोल करती है। जिन लोगों में एसिडिटी के साथ साथ खाने के बाद सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, उसमें बहुत असरदार रहती है, और पेशेंट को वोमिटिंग, नोजियाटिक फील बहुत देखने को मिलता है। साथ साथ पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और पेशेंट की लार भी बहती रहती है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को अगर ये दवाई दी जाए तो तम्बाकू के साइड इफ़ेक्ट ठीक होते हैं, जिस कारण पेशेंट का अगर डाइजेशन गड़बड़ा रहा हो या फिर तम्बाकू खाने के बाद पेशेंट को और भी कोई परेशानी, शरीर में और भी कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको भी ये दवाई ठीक करती है, क्योंकि ये तम्बाकू से ही बनी होती है और उसके कारण आए सिम्टम्स को ये दवाई कंट्रोल करती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप तम्बाकू का सेवन लगातार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और उनमें से ये परेशानी आपको आ रही है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे सिम्टम्स में दी जाती हैं,
एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले, हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस दवाई की पोटेंसी की बात करें तो काफ़ी सारी पोटेंसीज में यूज़ की जाती है, मदर टिंचर में भी, और 6CH, 12CH, 30CH, काफ़ी सारी पोटेंसीज में यूज़ की जाती है। ऐसे में केस टेकिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि आपके लिए कौन सी पोटेंसी उचित है और उसकी क्या डोज आपको दी जाएगी। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।